मीडिया जो भी सत्ता के गलियारों से होकर गुजरती है, लोगों की रोजी रोटी नहीं चलेगी, जॉब चली जाएंगी, लोग भूख से मर जाएंगे। आरएसएस की एक अंग मात्र प्रतीत होती हैं, पर दिल्ली की मजबूरी यह है कि पूर्ण राज्य नहीं है। और उसको गलत कहना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहना पूरी तरह से नकारात्मक है, पूरी तरह से गहरी साजिश के तहत और एक दमनकारी नीति सरकार पर उंगली उठाने के लिए या व्यक्तिगत मंशा जाहिर करने के लिए कहा जा रहा है, पूरी तरह से गलत है। कंगना रनौत का यह बयान भारत की अस्मिता पर सवाल है, अखंडता पर सवाल है और संप्रभुता पर सवाल है। अगर खानों में, तीनों खानों में अगर किसी ने कहा रहता, जैसे राजीव सरदेसाई ने भी ट्वीट किया, अगर कोई खान ये बात बोला रहता तब तक भूचाल आ गया रहता। एकदम सही बात कहा आपने कि धर्म के नाम पर आजकल बयान को भी देखा जाता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। अगर यही बात किसी खान ने कहा होता है, चाहे किसी और धर्म के लोगों ने कहा होगा, तो पूरी मीडिया जो भी सत्ता के गलियारों से होकर गुजरती है वो मीडिया टूट पड़ी होती, उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती और उसको देशद्रोही तक बता के पाकिस्तान जाने की सलाह देनी पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के इस समय खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अब गृह मंत्री आ गए हैं, वो तो कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, फिर भी केवल देखिए काम धंधे दो महीने तीन महीने लॉकडाउन करके देख लिया, वो फिजिबल प्रैक्टिकल तो है नहीं। कब तक आप चीज़ों को बंद कर देंगे? लोगों की रोजी रोटी नहीं चलेगी, जॉब चली जाएंगी, लोग भूख से मर जाएंगे, तो चीज़ों तो खोलनी है, तो उसके लिए सरकार इंतजाम करे अपना, टेस्टिंग का, हॉस्पिटल फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हों। दिल्ली देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश है और मुख्यमंत्री या जो राज्य सरकार उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं है। अगर ये पूर्ण राज्य होता तो केजरीवाल की सरकार कंट्रोल कर लेती, पर विदाउट सेंट्रल की हेल्प केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा मुख्यमंत्री कैसे करेगा? में इतना अच्छा काम कर लिया तो बाकी राज्यों में भी कर ले, बिहार में भी कर ले, यूपी में भी कर ले, केंद्र सरकार के अधीन तो सारा पूरा देश है। पर दिल्ली की मजबूरी यह है कि पूर्ण राज्य नहीं है, मुख्यमंत्री के पास बहुत पावर्स नहीं है, सारे हॉस्पिटल्स नहीं है, पुलिस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसे आधे अधूरे केंद्र शासित प्रदेश में तो केंद्र सरकार को मदद करनी पड़ेगी। टीसेल संजय राउत को बदनाम करने के, आप ट्विटर का ट्रेंड देखें तो संजय राउत जो कि वहाँ मुंबई के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री राज्यसभा के सांसद भी हैं शिवसेना से और एक प्रमुख पद है शिवसेना में, तो उनको ट्रेंड करने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं कंगना रनौत का सीधा संबंध बीजेपी से है और बीजेपी आईटी सेल उनके साथ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कंगना रनौत का कुछ दिन की गतिविधियां देखे, कुछ महीनों से जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। एकदम सही कहा आपने कि वो कहीं ना कहीं आरएसएस की एक अंग मात्र प्रतीत होती हैं, उसका ही एजेंडा बाहर लेकर चल रही है। पहले उन्होंने, हमको भी शुरू में अच्छा लगा कि उन्होंने पहले नेपोटिज्म को लेकर आवाज़ उठाई, हर हर गरीब को हक दिलाने की बात कही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका रंग बदलता गया और कहीं ना कहीं उनको अपने जात की बू आने लगी और वो जिस समाज से आते हैं उस समाज में गरीबों को अधिकार देना ही गुनाह समझा जाता है। अंत में कंगना रनौत से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कंगना रनौत जी को आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाहूँगा, कंगना जी, यह देश संविधान से चलता है, आदर्शों से चलता है, देश की एकता और अखंडता को विखंडित मत कीजिए, यह देश सबका है, सभी इस देश के हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना